Hello everyone, welcome to Diksha's EduTech and I'm Shanika Rumba, your English teacher. So today I'm here to teach you English of class 2 and the name of our topic is bees. So now, ये जो हमारा आज का जो टॉपिक जो है दैट बीज एंड दिस इज आवर चैप्टर 5 एंड ये जो हमारा आज का जो टॉपिक जो है वो क्या है पार्ट 2 यानी कि पार्ट 1 जो है हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है यानी कि पार्ट 1 में हमने क्या किया ये जो हमारा टॉपिक जो है दैट इज बीज इसका जो हमने पूरा स्टोरी का जो रीडिंग किया एंड उसके बाद हम लोग ने क्या किया मैंने आप लोग को एक्सप्लेनेशन भी कर दिया है ना तो जाते जाते मैंने पार्ट 1 का जो वीडियो जो है उसमें ये भी कहा था आप लोगों को कि पार्ट 1 में हम इसी टॉपिक से जुड़े हुए बहुत ऑब्जेक्टिव्स एंड वर्ड मीनिंग्स जो है उनके साथ मिलेंगे कहा था ना मैंने आप लोग को तो इसी ये जो वर्ड मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव जो है उसके ही बारे में आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 के वीडियो में ओके सो नाउ द नेम ऑफ आवर टॉपिक इज बीज तो स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा समरी यानी कि समरी में एक रिकैप कर लेते हैं ठीक है सो नाउ हमारे टॉपिक का नाम क्या है बीज एंड बीज जो है हम लोग को क्या देता है बीज बीज हम लोग को हनी देता है सेहत है ना जो बहुत स्वीट होता है हनी कैसा होता है बहुत स्वीट होता है बहुत मीठा होता है हनी एंड इसीलिए तो हम बीज को हम हनी बी भी बोलते हैं क्योंकि बहुत मीठा होता है ना और ऊपर से हमें हनी देता है तो इसलिए हम लोग हनी बीज को हनी बी भी बोलते हैं ठीक है और उसके बाद बीज जो होता है बहुत बिजी होता है बहुत काम करता है ना बहुत बिजी होता है इसीलिए हम बीज को हनी बी तो बोलते हैं एंड ऊपर से बिजी बी भी बोलते हैं है ना और यानी कि बीज हनी बी यानी बीजी भी सेम है नाम सेम है दोनों ही सेम नेम है सेम है पूरा यानी कि बी कहेंगे हम तो हनी भी आएगा हनी भी कहेंगे तो वो बीजी भी यानी कि सेम है सबके साथ ठीक है एंड बी या फिर हनी बी एंड बीजी भी जो अलग अलग नाम है ना कहाँ पर रहता है लीव यानी कहाँ पर रहता है बी हाइव में यानी कहाँ पर रहते सबके साथ बीहाइव में रहते हैं है ना और बीहाइव में क्या क्या होता है एक रहा वॉकर भी इनकी जो बहुत काम करता है ना सेहत कलेक्ट करने के लिए कहाँ से हनी कलेक्ट करते हैं वो लोग फ्लावर्स से फूलों से वो लोग हनी कलेक्ट करता है पर फ्लावर से डायरेक्टली हनी कलेक्ट नहीं करता है फ्लावर से वो लोग नेक्टर कलेक्ट करता है और उसके बाद ये नेक्टर जो है वो लोग आके अपने घर पर रखता है एंड आफ्टर सम टाइम ये नेक्टर जो है वो क्या बन जाता है हनी यानी कि वॉकर भी बहुत काम करता है नंबर 1 में नंबर 2 में आता है हमारा ड्रोन ड्रोन यानी कि क्या है किंग किंग किसका किंग बी का किंग जो बहुत लेजी है बहुत आइडली रहता है वो कुछ काम नहीं करता है ना और उसके बाद थर्ड नंबर में आता है हमारा क्वीन बी यानी क्वीन जो है वो भी बहुत लेजी है सिर्फ वो क्या देता है अंडा यानी कि एग्स क्वीन जो है हमें सिर्फ एग्स ही देता है सो वॉकर भी जो वॉकर अभी जो होता है वो बहुत मेहनत करता है एंड फ्लावर्स से नेक्टर लेके आता है और वही नेक्टर जो है घर पर रखने के बाद वो बन जाता है हमारा हनी और ड्रोन नंबर 2 में क्या है ड्रोन ड्रोन यानी कि किंग ऑफ बीज एंड नंबर 3 में है क्वीन यानी कि क्वीन जो है वो भी बहुत लेजी होता है और देता है सिर्फ एग्स ठीक है और उनका जो घर जो है क्या है वो बीहाइव है घर एंड हनीबी का जो बीहाइव जो होता है वहां पर बहुत सारा रूम्स होता है मेनी रूम्स बहुत सारा रूम्स होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं सेल्स सेल्स बोलते हैं है ना एंड बी के जब हम बॉडी पार्ट्स के बारे में बात करते हैं तो बॉडी पार्ट्स जो है वो 3 भाग में डिवाइड हुआ है 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है 3 पार्ट्स में नंबर 1 में है हेड नंबर 2 में है थोरैक्स एंड नंबर 3 में है एब्डोमेन क्या है एब्डोमेन एंड हेड यानी पता है हेड पे क्या होता है आईज
और उसके बाद फीलर, ये सब हमें हेड में देखने को मिलता है। थोरैक्स में उसका लेग्स है ना, एंड आफ्टर दैट और उसके बाद हमें विंग्स, और उसके बाद हमें उनका जो एब्डोमेन में हम उसका स्टिंग, ये सब देखने को मिलता है। ठीक है, ये सब हमने देखा। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि बी हम लोग को कभी भी नहीं काटता है, पर तभी काटते जब हम उनको चिराते हैं। पर बी को जब हम लोग को काटता है, बी ने डंग मारता है हम लोग को, तो क्या होता है कि बहुत तकलीफ होता है बीज को। क्यों? क्योंकि बी जो होता है हम लोग को डंग मारने के बाद वो खुद भी मर जाता है इसीलिए। ठीक है, तो यही किया हमने बी के बारे में। ठीक है, सो आज हम स्टार्ट करेंगे वर्ड मीनिंग से, एंड इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ जो वर्ड मीनिंग जो है उनसे स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर जो वर्ड मीनिंग जो है वो इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड मीनिंग। नंबर वन, आइडल। क्या है आइडल? आई बी एल ई, आइडल। सो द इंग्लिश मीनिंग ऑफ आइडल इज लेजी, यानी कि बेकार, यानी कि बहुत आलस से भरा हुआ, जो बेकार होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं? आइडल बोलते हैं। नंबर टू, सेक्शन। एस ई सी टी आर ओ एन, सेक्शन। सेक्शन यानी कि पार्ट, यानी कि हिंदी में अनुभाग, यानी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होता है उसको हम सेक्शन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो हनी बी का जो बॉडी पार्ट जो है वो तीन भाग में डिवाइड हुआ है, यानी कि सेक्शन थ्री सेक्शन, हेड थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो यही है यहाँ पर सेक्शन यानी कि पार्ट, और हिंदी में बोलते हैं हम अनुभाग। ठीक है, नंबर थ्री, थोरैक्स। थोरैक्स यानी कि टी एच ओ आर ए एक्स, थोरैक्स यानी कि चेस्ट, यानी कि छाती। तो थोरैक्स पोर्शन में क्या होता है हनी का? विंग्स एंड लेग्स होता है। सो नंबर फोर, एब्डोमेन। क्या है एब्डोमेन? ए बी डी ओ एम ई एन, एब्डोमेन। सो द इंग्लिश मीनिंग ऑफ एब्डोमेन इज बेली, एंड हिंदी में क्या बोलते हैं? पेट। क्या बोलते हैं? पेट। सो नंबर फाइव, फिलर्स। एफ ई ई एल ई आर एस, फिलर्स। एंड फिलर्स को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एंटीना, ए एन टी ई एन एन ए, एंटीना। एंड हिंदी में भी मोस्ट ऑफ द केसेस हम उनको एंटीना ही बोलते हैं, जिसके जो सिंग जैसे निकल के आता है ना बी का, उसको बोलते हैं फिलर्स। ठीक है, नंबर सिक्स, स्टिंग। एस टी आई एन जी, स्टिंग। स्टिंग का मतलब क्या है? प्रिक, पी आर आई सी के, प्रिक्स। इंग्लिश मीनिंग क्या है? प्रिक। एंड हिंदी में हम उसको डंक, ठीक है, डंक माने बोलते हैं, यानी कि काटना। नंबर सेवन, बर्ड। बी यू जेट जेट, बर्ड। एंड इंग्लिश मीनिंग ऑफ बर्ड इज हमिंग साउंड मेड बाय बी, यानी कि हमिंग साउंड मेड बाय बी को हम क्या बोलते हैं? बर्ड। जिसके हिंदी में भन भनाहट, जिसके भुन करता है ना हनी बी, उसको ही बोले हम बर्ड। ठीक है, नंबर एट, हर्ट। क्या है हर्ट? एच यू आर टी, हर्ट, यानी कि कॉज पेन, यानी कि चोट, यानी कि चोट देना, तकलीफ देना, उसको बोलते हैं। ठीक है, नंबर नाइन, नेक्टर। क्या है नेक्टर? एन ई सी टी ए आर, नेक्टर। एंड इंग्लिश मीनिंग ऑफ नेक्टर इज अ स्वीट लिक्विड प्रोड्यूस बाय फ्लावर, यानी क्या है? रस, यानी कि मीठा सा रस होता है जो फूल में होता है, उसे ही हम बोलते हैं नेक्टर। और यही निकटर तो हनी बी जो है वो सक करके एडियन अपने घर पर लेके, यानी कि बिहार में लेके वहां पर रखे, और उसके बाद हमारा स्वीट हनी बनता है। नंबर टेन, बी हाइव। क्या है? बी हाइव, बी ई ई एच आर बी ई, बी हाइव। मीनिंग इज होम ऑफ बी, यानी कि मधुमक्खी का घर। ठीक है, नंबर सेवन, एनिमीज। एंड ई एन ई एम आर ई एस, एनिमीज। एंड इंग्लिश मीनिंग ऑफ एनिमीज इज राइवल। क्या है? राइवल। एंड हिंदी में क्या बोलते हैं उसे हम? दुश्मन। क्या बोलते हैं? दुश्मन। नंबर ट्वेल्व, ड्रोन। डी आर ओ एन ई, ड्रोन। एंड इंग्लिश मीनिंग ऑफ ड्रोन इज मेल बी, यानी कि नर मधुमक्खी, यानी कि जो नर जो होता है उसको हम ड्रोन बोलते हैं। ठीक है, और जो फीमेल जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्वीन। So, ये रहा हमारा वर्ड मीनिंग फ्रॉम दिस टॉपिक। सो नाउ लेट्स सी वंस अगेन। नंबर वन, आइडल, इंग्लिश मीनिंग इज लेजी, एंड हिंदी मीनिंग इज बेकार। नंबर टू, सेक्शन, इंग्लिश मीनिंग पार्ट, एंड हिंदी में अनुभाग। नंबर थ्री, थोरैक्स, इंग्लिश मीनिंग इज चेस्ट, एंड हिंदी में छाती। नंबर फोर, एब्डोमेन,
इंग्लिश में है हमारा बेली एंड हिंदी में पेट. नंबर 5 फीलर्स. इंग्लिश मीनिंग इज एंटीना एंड हिंदी मीनिंग इज ऑल्सो एंटीना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में हम एंटीना को हिंदी में भी एंटीना ही बोलते हैं. सो नंबर 6 स्टिंग. इंग्लिश मीनिंग इज प्रिक एंड हिंदी मीनिंग इज डंग. नंबर 7 बज. इंग्लिश मीनिंग इज हमिंग साउंड मेड बाय बी एंड हिंदी में क्या बोले जाते हैं, मन बनाहट. नंबर 8 हर्ट एंड इंग्लिश मीनिंग इज कॉज पेन एंड हिंदी में है चोट. नंबर 9 नेक्टर. इंग्लिश मीनिंग है अ स्वीट लिक्विड प्रोड्यूस बाय फ्लावर एंड हिंदी में है हमारा रस. नंबर 10 बिहार. इंग्लिश मीनिंग है होम ऑफ बी एंड हिंदी में हमारा मधुमक्खी. नंबर 11 एनिमीज एंड इंग्लिश मीनिंग इज राइवल एंड हिंदी में हमारा दुश्मन. नंबर 12 ड्रोन. इंग्लिश मीनिंग इज मेल बी एंड हिंदी मीनिंग इज नर मधुमक्खी. तो वर्ड मीनिंग हो गया. सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द टिक द राइट आंसर. यानी कि यहाँ पर जो सही आंसर जो है ऑप्शन दिया है और जो सही आंसर है उसमें आप लोग को टिक मार्क करना है. सो नंबर 1 हु मेक्स हनी फॉर अस, यानी कौन हम लोग के लिए हनी बनाता है. नंबर ए में है किंग बी यानी कि नर मधुमक्खी. नंबर बी क्वीन बी यानी कि जो फीमेल जो होता है ना मादा मक्खी फीमेल, ठीक है फीमेल फीमेल बी. एंड नंबर सी में हमारा वॉकर बी जो बहुत मेहनत करके काम करता है. कौन बनाता है हम लोग का हम लोग के लिए हनी, किंग बी वैसे आलस से भरा हुआ कुछ नहीं करता है, क्वीन बी सिर्फ अंडा देता है और हनी जो है हम लोग के लिए वॉकर बी बनाता है. सो हम नंबर सी वॉकर बी को टिक मार्क करेंगे, ठीक है. नंबर 2 हाउ मेनी लेग्स डज द बी हैव, तो बी के पास कितना पैर होता है. 2, 4, 6 अब वो पैर इंसानों का होता है, 4 किसका होता है, 4 एनिमल्स का होता है ना, एंड 6 होता है. नंबर सी 6, तो हम 6 में टिक करेंगे. नंबर 3 हाउ मेनी विंग्स डज द बी हैव, तो बी के पास कितना पंख होता है, 2 दो पंख होता है या फिर 4 या फिर 6, कितना पंख होता है, 2 पंख होता है 2, तो 2 में टिक मार्क करेंगे. नंबर 4 व्हाट डज द बी कलेक्ट फ्रॉम फ्लावर्स, सो बी जो होता है फूलों से क्या कलेक्ट करता है, ए हनी, हनी कलेक्ट करता है, नेक्टर कलेक्ट करता है या वाटर कलेक्ट करता है. हनी बी जो होता है फूलों से सबसे पहले वो नेक्टर कलेक्ट करता है एंड नेक्टर को अपने घर पर ले जाने के बाद तब बनता है हमारा हनी, है ना. सो आंसर क्या है, क्या फूलों से क्या कलेक्ट करता है, नेक्टर. ओके सो लेट्स वंस अगेन, हु मेक्स हनी फॉर अस, वॉकर बी. हाउ मेनी लेग्स डज बी हैव, 6. नंबर 3 हाउ मेनी विंग्स डज बी हैव, 2. नंबर 4 व्हाट डज द बी कलेक्ट फ्रॉम फ्लावर्स, बी नेक्टर. ओके सो नाउ नेक्स्ट वन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, तो यहाँ पर जो बॉक्स में जो वर्ड दिया है ना इसी वर्ड को चूज करते हुए आप लोग को यहाँ पर जो गैप दिया है वहां पर फिलअप करना है. ओके सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1 बी हाइव लिव इन अ, तो बी सो बीज लिव इन अ, तो बीज कहाँ पर रहता है, बीजी सेल्स स्वीट ड्रोन फ्लावर्स बी हाइव, कहाँ पर रहता है, बी बी हाइव में, तो बी हाइव को हम अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे बीज लिव इन अ बी हाइव. हो गए. नंबर 2 बीज आर ऑलवेज, तो बीज होता है हमेशा क्या होता है, बिजी, फर्स्ट में ही है बिजी यानी बहुत बिजी होता है ना बीज, तो बीज आर ऑलवेज बिजी. नंबर 3 द नेक्टर इज वेरी, अब नेक्टर कैसा होता है, नेक्टर सेल्स स्वीट्स रोम फ्लावर्स कैसा होता है नेक्टर, द नेक्टर इज वेरी स्वीट यानी कि स्वीट का अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्वीट. नंबर 4 बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम, तो बीज जो है नेक्टर कहाँ से कलेक्ट करता है, बीज नेक्टर फ्लावर्स से कलेक्ट करता है, सो बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स जो बहुत स्वीट होता है ना फ्लावर्स. नंबर 5 द बी हाइव हैज मेनी टाइनी, तो बी हाइव जो होता है जो मधुमक्खी का जो घर जो होता है उसमें थोड़ा थोड़ा सा क्या होता है, एज मेनी टाइनी सेल्स. ओके
cells. Number 6, the king of bees is called a, जो king होता है, नर मधुमक्खी होता है, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? Drone. क्या बोलते हैं? Drone. D R O N E. Drone. Okay. So now let's see once again. Bees live in a beehive. Number 2, bees are always busy. Number 3, the nectar is very sweet. Number 4, bees collect nectar from flowers. Number 5, the beehive has many tiny cells. Number 6, the king of bees is called a drone. Okay, ye ho gaya. So next one, put a tick or a cross for each sentence. तो यहाँ पर जो सेंटेंस दिया है ना, वहां पर हमें आइदर क्रॉस करना है ना, या सही है तो राइट करना है, टिक करना है, रॉन्ग है तो क्रॉस करना है. ओके, सो नंबर 1, द बी हैज अ स्टिंग. तो बी के पास जो होता है वो काटने के लिए डंक होता है, होता है, सही है. तो क्या होगा यहाँ पर? राइट होगा, सही है ना, तो टिक करना है. नंबर 2, द क्वीन बी लेज एग्स. सो क्वीन बी जो है वो अंडा देता है, ये सही है, सो टिक करना है. नंबर 3, द किंग बी रिमेन्स आइडल. यानी कि किंग बी जो होता है मूरत जैसा, बहुत लेजी होके बैठता है, ये यहाँ पर टिक मार्क होगा. ठीक है. नंबर 4, द क्वीन बी रिमेन्स बिजी. तो क्वीन बी बहुत बिजी होता है वो, क्वीन बी नहीं, गलत है वो. क्या, वो बहुत लेजी है ना, सिर्फ अंडा ही देता है, तो ये गलत है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? क्रॉस. नंबर 5, The bee never stings anyone. यानी कि बी कभी भी किसी को नहीं काटता है, काटता है जो उसको चिराता है उसको ही तो काटते हैं ना बी, तो यहाँ पर क्या होगा? नहीं, यानी कभी नहीं काटता है बोल रहा है, तो ये गलत है, यहाँ पर क्रॉस होगा. नंबर 6, द बी वर्क्स हार्ड टू मेक हनी. यानी कि बी बहुत मेहनत करता है हनी बनाने के लिए, ये सही है, तो क्या है यहाँ पर आप राइट करेंगे, होगा ये, है ना. सो द बी हैज अ स्टिंग, राइट. नंबर 2, द क्वीन बी लेज एग्स, राइट. नंबर 3, द किंग बी रिमेन्स आइडल, राइट. नंबर 4, द क्वीन बी रिमेन्स बिजी, रॉन्ग. नंबर 5, द बी नेवर स्टिंग्स एनीवन, रॉन्ग. नंबर 6, द बी वर्क्स हार्ड टू मेक हनी, राइट. ओके, सो नेक्स्ट वन, मैच द अपोजिट. यानी कि इसका जो उल्टा जो है उसका आप लोग को मैच करना है. ठीक है, उल्टा यानी कि किसी को प्यार कर, लव प्यार करना, यानी कि उसका अपोजिट क्या होता है? नफरत करना, है ना. इस तरीके से यहाँ पर इंग्लिश में आप लोग को बनाना है. नंबर 1, लीव. लीव यानी कि रहना, तो यानी कि लीव का अपोजिट क्या होता है? डाई, यानी कि मर जाना. तो लीव क्या की वन है, तो हम डाई के पीछे वन देखेंगे. ठीक है, क्योंकि ये डाई जो है वो वन का आंसर है. नंबर 2, लव. लव यानी कि प्यार करना. अब प्यार करना क्या होता है? नफरत करना. तो 2, लव 2 है ना, सो हेट के पीछे हम 2 लिखेंगे, क्योंकि लव का जो अपोजिट क्या है? हेट है. नंबर 3, हार्ड यानी कि बहुत हार्ड, है ना. तो हार्ड में क्या होता है? सॉफ्ट यानी मुलायम. तो सॉफ्ट के पीछे हम 3 लिखेंगे, क्योंकि हार्ड नंबर 3 में है इसलिए. नंबर 4, बिजी. बिजी यानी बहुत, फुर्सत ना आना, है ना, बहुत बिजी, है ना. तो बिजी का क्या होता है? फुर्सत ही फुर्सत, बहुत लेजी यानी कि आइडल. तो बिजी 4 में है, तो आइडल में हम लिखेंगे 4. नंबर 5, हेड. हेड यानी कि सर. अब सर का अपोजिट क्या होगा? पूंछ, यानी कि हेड 5 में है, तो टेल जो है इसका अपोजिट होगा. स्वीट यानी कि बहुत मीठा, इसका अपोजिट क्या है? बिट्टा यानी कि बहुत तीता. ठीक है, तो बहुत खट्टा, बहुत तीता होता है ना, तो खाने लायक का भी नहीं होता है, दैट वन. स्वीट के आगे क्या है? 6, तो आप इसके पीछे लिखेंगे 6. तो अपोजिट मैच हो गए, है ना. एक बार फिर से देखते हैं, लीव डाई, लव हेट, हार्ड सॉफ्ट, बिजी आइडल, हेड टेल, स्वीट बिटर. ओके, हो गया ये. सो नेक्स्ट वन, अब हम देखेंगे मैच द वर्ड्स टू मेक वन वर्ड. यानी कोई यहाँ पर जो वर्ड जो है कोई भी, है ना, वो आप लोग को मैच करना है और एक वर्ड बनाना है. ठीक है, अब सबसे पहले देखें हम एनी. यहाँ पर एनी दिया है, अब कौन सा वर्ड मैच करेंगे एनी को? वन, यानी कि एनी वन, यानी कि कोई भी, एनी वन.
नंबर वन होगा एनी वन, नंबर टू बी। अभी क्या होगा, मधुमक्खी का घर यानी कि बी हाइव। तो दो वर्ड बन के एक वर्ड बन गए ना, नंबर टू में बी हाइव। नंबर थ्री होम, क्या होता है होम वर्क, यानी घर पर जो आपको होमवर्क दिए जाते हैं ना, दैट वन होमवर्क, होम वर्क। फ्लावर पॉट, यानी कि पॉट में हम रखते हैं ना फ्लावर, तो यहाँ पर क्या होगा फ्लावर पॉट। हनी बी, ये से है ना हनी बी, एक वर्ड बन गया ना। नंबर वन में क्या बन गया हमारा एनिमल, नंबर टू में बिहाइव, नंबर थ्री में होमवर्क, नंबर फोर में फ्लावर पॉट एंड नंबर फाइव में हनी बी। हो गया ये। सो नेक्स्ट वन इज राइट द सी वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। तो सी वर्ड्स यानी कि यहाँ पर जो वर्ड दिया है, ये जो वर्ड जो है ये ही वर्ड है, यानी कि यहाँ पर पूरा क्या है मैन है ना, मेल है यहाँ पर। तो इसका जो फीमेल वर्ड है यहाँ पर आप लोग को मैच करना है। ये क्या है ही वर्ड, यानी कि आप लोग ने पढ़ाई भी है ग्रामर में, ही वर्ड यानी कि पूरा मैन दिखाता है, एंड सी वर्ड यानी कि पूरा जो है लड़के होते हैं वहां पर सी वर्ड है ना। तो यहाँ पर जो ही वर्ड जो है एंड सी वर्ड जो है वो बॉक्स में है। तो जो सही सी वर्ड जो है आप लोग को यहाँ पर साइड में मैच करके आप लोग को लिखना है। नंबर वन डॉग। अब डॉग का सी वर्ड क्या है, डॉग का सी वर्ड है यहाँ पर हमारा कौन सा बीच, ठीक है, यानी फीमेल, यानी सी वर्ड क्या है डॉग का बीच, बी आई टी सी एच बीच। नंबर टू किंग। अब किंग का ऑपोजिट क्या है, किंग का है हमारा, किंग का होता है क्वीन। इसका सी वर्ड क्या है, किंग का सी वर्ड क्वीन होता है, क्या होता है क्वीन। नंबर थ्री कॉक। अब कॉक का सी वर्ड क्या होता है, कॉक का यहाँ पर हमारा हेन। तो कॉक का सी वर्ड क्या होता है हेन। एंड नंबर फोर हॉर्स। हॉर्स का सी वर्ड क्या होता है, क्या होता है मेयर, क्या होता है सी वर्ड हॉर्स का मेयर। नंबर फाइव अंकल। अंकल का सी वर्ड क्या होता है, अंकल का आंट, ठीक है, अंकल का होता है सी वर्ड आंट। नंबर सिक्स फादर। फादर का सी वर्ड क्या होता है हमारा मदर, क्या होता है मदर। नंबर सेवन ड्रोन। ड्रोन का सी वर्ड क्या होता है बी, क्या होता है बी। सो नंबर एट ब्रदर। ब्रदर का सी वर्ड क्या होता है सिस्टर, क्या होता है सिस्टर, यानी भाई का बहन। सो लेट्स रीड वंस अगेन। नंबर वन डॉग, डॉग का सी वर्ड क्या है बीच। नंबर टू किंग, किंग का होगा क्वीन। नंबर थ्री कॉक, कॉक का होगा हेन। नंबर फोर हॉर्स, हॉर्स का होगा मेयर। नंबर फाइव अंकल, अंकल का होगा आंट। नंबर सिक्स फादर, फादर का होगा मदर। एंड नंबर सेवन ड्रोन, ड्रोन का होगा बी। एंड नंबर एट ब्रदर, ब्रदर का होगा सिस्टर। ओके सो नाउ नेक्स्ट वन, गिव वन वर्ड आंसर। तो यहाँ पर आपको सिर्फ वन वर्ड आंसर देना है, ठीक है। सो नंबर वन द बी लिव्स इन इट। तो बी जो होता है वो कहाँ पर रहता है, बी लिव्स इन इट बीहाइव, कहाँ पर रहता है बी, बीहाइव में रहता है, ठीक है। इट इज द किंग ऑफ बीज। तो बीज का जो किंग जो होता है उसको क्या बोले जाते हैं ड्रोन। नंबर थ्री इट मेक्स हनी फॉर अस, ठीक है। सो कौन हनी बनाता है हम लोग के लिए, बीज। नंबर फोर द बी हैज इट ऑन इट्स टेल, यानी कि बी के पूंछ में क्या होता है स्टिंग, यानी कि डंग होता है। नंबर फाइव द बी कलेक्ट्स इट फ्रॉम फ्लावर, यानी कि बी जो होता है फूलों से क्या कलेक्ट करता है नेक्टर, और ये नेक्टर बाद में बनता है हमारा हनी। नंबर सिक्स द बी मेक्स दिस साउंड व्हेन इट फ्लाइज, यानी बी ये आवाज निकलता है जब वो उड़ता है, कौन सा आवाज निकलता है बज, ठीक है। सो लेट्स रीड वंस अगेन, द बी लिव्स इन इट्स बीहाइव। नंबर टू इट इज द किंग ऑफ बीज ड्रोन।
Number 3, it makes honey for us, bees. Number 4, the bee has it on its tail, sting. Number 5, the bee collects it from flowers, nectar. Number 6, the bee makes this sound when it flies and gives buzz. Okay? So next one. Begin इस sentence with we, यानी कि आप जितना भी sentence जो है यानी कि I यानी सिर्फ अकेले है इसको we में change करके आप लोग को लिखना है. जैसे number one, I love flowers, यानी कि I के बदले में क्या होगा we, यानी कि मुझे फूल पसंद है, यानी कि हम लोग को फूल पसंद है, यानी कि I love flowers. Number two, I have a sting, यानी कि मेरे पास डंग है, यानी कि हमारे पास डंग है, यानी कि वी हैव अ स्टिंग. नंबर 3, आई एम अ हनी बी, यानी कि मैं हनी बी हूं, यानी कि आई और यानी कि हम लोग, वी आर अ हनी बी. सो नंबर 4, आई मेक हनी फॉर यू, यानी कि मैं हनी बनाती हूँ आप लोग के लिए. अब मैं यानी कि आई में क्या होगा, वी वी make honey for you. Okay, so now next one, begin is sentence with they, यानी कि यहां पर आप लोग को they लगा कि आप लोग को sentence जो है वो start करना है. Okay, so now number 1, he is very fat, यानी कि he is very fat, यानी कि they है तो दे यानी कि बहुत ज्यादा लोग है, तो अगर बहुत ज्यादा है यानी प्लूरल वर्ड है तो प्लूरल में इज जो है वो आर में चेंज होगा. ठीक है, तो नंबर 1, ही इज वेरी फैट, यानी कि दे आर वेरी फैट. ओके, सो नंबर 2, ही इज ऑलवेज आइडल, यानी इज है तो आर होगा, प्लूरल में चेंज कर रहे हैं हम. सो दे आर always idle. Okay, number 3, he works very hard, and वो बहुत मेहनत करता है, बहुत hard करता है, work hard करता है. So he यानी कि they works very hard. Number 4, he does nothing all day, and वो कुछ नहीं करता, he यानी he को क्या होगा, they, यानी कि दे डज नथिंग ऑल डे, होगा ये दे लगा के, है ना. सो नेक्स्ट वन, सो यहां पर जो है आप लोग को एक दोबारा यहां पर आप लोग को लिखना है. ठीक है, अब कैसे लिखना है आप लोगों को दोबारा, दे कॉल इट अ सेल, यानी कि दे कॉल इट अ सेल, यानी कि वो लोग इसे सेल बोलते हैं, यानी आप लोगों को सीधे देखा के बोलना है कि इट इज कॉल अ सेल. ठीक है, यानी कि यह छोटा छोटा भाग जो है यहाँ पर रूम जो है उसे क्या बोलते हैं, इट इज कॉल अ सेल. नंबर 2, दे कॉल इट हनी, यानी कि इट इज कॉल्ड और हनी. नंबर 3, दे कॉल इट अ रोल, सो इट इज कॉल्ड अ रोल. नंबर 3, दे कॉल इट अ बीहाइव, सो इट इज कॉल्ड अ बीहाइव. ओके, नंबर 5, दे कॉल इट अ बिजी बी, यानी कि इट इज कॉल्ड अ बिजी बी. ओके, ये सो नाउ नेक्स्ट वन एंड दिस इज आवर लास्ट वन. सो चूज अ करेक्ट वर्ड फॉर ईच ब्लैंक, तो यहाँ पर जो वर्ड दिया है उसमें से आपको सही चूज करके आप लोग को यहाँ पर लिखना है. सो नंबर 1, I do not dash anyone. So hurt होगा, hurt होगा. I do not hurt होगा. I do not hurt anyone.
नंबर टू आवर किंग डैश लिव्स विद अस. तो आवर किंग किसके साथ रहता है? हमारे साथ रहता है. तो आवर किंग लिव्स विद अस. नंबर थ्री यू कैन डैश हियर हियर्स माय बॉल. यू कैन हियर हियर होगा ठीक है. आई फ्लाई डैश फ्रॉम फॉर फ्लावर टू फ्लावर. तो यानी कि आई फ्लाई फ्रॉम होगा. सो नंबर फोर आई फ्लाई फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर. नंबर फाइव आवर फैमिली इज आवर वेरी लास्ट. तो आवर फैमिली इज वेरी लास्ट. नंबर फाइव एंड नंबर सिक्स वी डैश डू डज ऑल वर्क टूगेदर. यानी कि वी डू All the work together. बस इससे ये जो हमारा टॉपिक है दैट इज बीज है ना ये कंप्लीट होता है. तो आपको और क्या रहेगा? सबसे पहले आपको अच्छे से रीडिंग करना है एंड आफ्टर दैट अभी जो हमने इस क्लास में किया है उसको आपको अच्छे तरह से ध्यान से आप लोग एक बार फिर से याद करना है. ओके सो दिस मच फॉर टुडे एंड फ्रॉम दिस चैप्टर ऑल्सो एंड थैंक यू स्टूडेंट्स.